In a shocking incident coming from Kolkata, two female students of Rajarhat Derozio College have accused their English teacher of harassment. The girls have alleged that the HOD, or the head of the Department of English, has been messaging them at odd hours, asking them to meet alone and marry him. The complaint has triggered massive outrage in the college, triggering protests against the professor, and students are now demanding his resignation. The college authorities have already set up an inquiry committee to investigate the matter and take decision after the report is out. जो सर हमारे यहाँ पे एनएसएस का इंचार्ज थे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोगों का नंबर चाहिए, आप लोगों के साथ कांटेक्ट करना है। हम भी ऐसे तक हम लोगों को मैसेजेस किया कि हम लोग कहाँ बोल नहीं पाए किसी को। मोस्ट प्रोबेबली शादी का ही था, तो मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपसे शादी करनी है, तो आप मुझसे मिलिए। तो अकेले में मिलना, किसी को मत बताना। हमारे कॉलेज में कुछ दिन आगे किसी लड़की के साथ एक सर ने मिसबिहेव किया था, तो उसके लिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनको इस कॉलेज से निकालना है। हम सेफ नहीं है उनके साथ, हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे, दूसरा कुछ करने नहीं आए, इसलिए उनको निकालो, यही हमारा दावी है। और अगर ये नहीं कर सकते तो प्रिंसिपल अपना वादा छोड़ दें, बस यही कहना चाहते हैं हम। तो ये इंक्वायरी कमेटी आज बैठी है, और ये इंक्वायरी कमेटी में ये दो छात्रा की जवान लिया जा रहा है। उस जीवी में हम लोग जो सिद्धांत लेंगे, या गवर्निंग बॉडी की मेंबर्स है वो जो सिद्धांत लेंगे, वो हम लोग डीपीआई को फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो डीपीआई की ओर से लिया जाएगा।